इस बीच एक बड़ी खबर रांची से, पंकज मिश्रा का करीबी जयप्रकाश यादव अरेस्ट हो गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर से बरहेट पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट में जयप्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी को अरेस्ट किया गया है। थाना प्रभारी गौरव के नेतृत्व में यह गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली भागने के फिराक में था जयप्रकाश यादव, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त, जयप्रकाश यादव को बरहेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया, यानी कि अवैध तरीके से आर्म्स रखने को लेकर उसके आरोप था। और इसी कड़ी में वो दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन एयरपोर्ट से जयप्रकाश यादव को अरेस्ट कर लिया गया। ये बड़ी जानकारी, ये भी पंकज मिश्रा का करीबी बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जयप्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी इसका नाम है, और इसे अरेस्ट कर लिया गया है एयरपोर्ट से। थाना प्रभारी गौरव के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई है। बरहेट पुलिस ने यह कार्रवाई की और एयरपोर्ट से जयप्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी। तो पंकज मिश्रा का करीबी है जयप्रकाश यादव, इसे अरेस्ट किया गया है एयरपोर्ट से, और बरहेट पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम ने गिरफ्तार किया जयप्रकाश यादव को। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है जयप्रकाश यादव की। और बता दें आपको कि ये भी पंकज मिश्रा का ही करीबी, पंकज मिश्रा यानी कि बरहेट से जो विधायक हैं, उनका विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, और फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। और इसी कड़ी में पंकज मिश्रा का एक और करीबी जयप्रकाश यादव आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ है। आयुष हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आयुष, जानकारी चाहेंगे पूरा जयप्रकाश यादव से जुड़ा हुआ, अरेस्टिंग से जुड़ा हुआ। जी देखिए पंकज, बताना चाहेंगे कि साहेबगंज के करवारी पंकज मिश्रा और डहू यादव के करीबी माने जाने वाले जो जयप्रकाश यादव है उर्फ मुंगेरी, उनको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी आपको बता दें बरहेट थाना के माध्यम से हुआ, और इसको लेकर गुप्त सूचना थी और रांची एयरपोर्ट थाना के साथ कोलेबोरेशन करके ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है कि आर्म्स एक्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, और फिलहाल पुलिस उनको यहाँ से ले जा रही है। पंकज, तो ये क्या आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई, तो क्या आर्म्स इनके पास था या पहले का कोई मामला था? देखिए पंकज, जिस तरह से रांची एयरपोर्ट के एयरपोर्ट थाना के माध्यम से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये बताया गया है कि आम उन पर एक आम एक का मामला चल रहा था जिसमें वारंट इशू हो चुका था, उसी मामले में गिरफ्तारी की गई है। हालांकि आशंका ये भी है कि जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई चल रही है, वैसे में इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो जयप्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी को अरेस्ट किया गया है, एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।